नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? गुड इवनिंग, फटाफट से गुड इवनिंग कर लेते हैं और क्वेश्चंस चालू करते हैं। गुड इवनिंग, देखिए पहला क्वेश्चन जो आप लोग की स्क्रीन पर है, फटाफट से देखिए उसे। पहला क्वेश्चन जो आप लोग की स्क्रीन पर है उसे फटाफट से देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, क्या बोला था? थरी समझना भाई। बूंद के पोषण के लिए कौन सी संरचना का निर्माण किया गया है? बूंद के पोषण के लिए संरचना कौन सी है भाई? बूंद के पोषण के लिए संरचना कौन सी है? फटाफट से बता दो, ऑप्शंस बताइए। कोई बात नहीं, फटाफट से ऑप्शन बताओ भाई। बूंद के पोषण के लिए कौन सी संरचना उपयोग में आती है? फटाफट से, उम्मीद है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, तभी तो पता चलेगा। मंडे से टाइमर के साथ में क्वेश्चंस करने हैं, सैटरडे को टाइमर के साथ में क्वेश्चंस करने हैं, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या आंसर होगा भाई? डी प्लेसेंटा। क्या आंसर होगा? डी प्लेसेंटा द्वारा क्या किया जाता है? भ्रूण को पोषण दिया जाता है। और ये नाल किससे जुड़ी हुई होती है? माता से भी और बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई होती है प्लेसेंटा। ये सिर्फ और सिर्फ पोषण नहीं प्रदान करती, साथ ही साथ पोषण के साथ साथ जो भी एक्सक्रीटरी उत्सर्जी पदार्थ है वो भी लेके जाने का कार्य करती है। तो पोषण ही नहीं, उत्सर्जी पदार्थों को लेके जाना, स्थानांतरण का कार्य भी कौन करता है? प्लेसेंटा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर शो नहीं हो रहे भाई, क्वेश्चन नंबर शो भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं ना, क्वेश्चन नंबर शो नहीं हो रहे तो मोर देन 25 क्वेश्चंस है भाई आज। भाई चूना पत्थर, चूना पत्थर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाने वाला क्या है भाई? फटाफट से बता दो। चूना पत्थर के ढांचे जैसा बनाने वाले कुछ समुद्र जीव है, समुद्र जीव है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से बता दो, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह पाया जाता है, बहुत ज़्यादा समुद्र के बिल्कुल गहराई में पाए जाने वाले ये छोटे छोटे से जीव हैं। आपने कौन सा क्वेश्चन डाल, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया गया मुझसे। जल्दी से क्वेश्चन देखो भाई। कॉन्गुलेट ग्लैंड जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? फटाफट से बता दो क्वेश्चन। हाँ गलत पढ़ दिया भाई मैंने, गलत पढ़ दिया, आगे क्वेश्चन स्किप कर दिया, ठीक है। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित किस में पाई जाती है? फटाफट से बताओ, संगोलित किस में पाई जाती है? पत्ती जैसी संरचना वाली, जल्दी कराएं। भाई ये जो कॉन्गुलेट ग्लैंड है, जो पत्ती जैसी संरचना वाली कॉन्गुलेट ग्लैंड है, ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है कॉकरोच में। किस में पाई जाती है?
कॉकरोच में पाई जाने वाली ग्लैंड है, कॉनगुलेंट ग्लैंड नर कॉकरोच में पाई जाती है। बी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर कॉकरोच में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है, मेल कॉकरोच में। भाई मेल कॉकरोच में पाई जाती है, बी ऑप्शन होगा, क्या होगा, मेल कॉकरोच। क्या होगा, पत्ती जैसे आकार की लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉनगुलेट ग्लैंड किस में पाई जाएगी, मेल कॉकरोच आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाला, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ दिया था, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाला कौन से ऐसे समुद्र जीव है जो चूना पत्थर जैसे ढांचे, पत्थर लाइक स्ट्रक्चर, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्या करते हैं भाई, समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, बहुत अच्छा आंसर है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इनका पूरा का पूरा क्या है, बहुत बड़ा एरिया घेरते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल विशु सैनी, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, क्या आंसर होगा भाई, कोरल रीफ। क्या आंसर है, कोरल रीफ, मूंगा चट्टान। ये मूंगा चट्टाने क्या ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कि छोटे छोटे समुद्री जीव है पर ये चट्टानों जैसी संरचना बना लेते हैं और बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंगुली लेखन के विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, अंगुली लेखन के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बता दो भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, फिंगर प्रिंटिंग के नाम से। किस नाम से भाई, फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। साफ साफ क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा था कि अंगुली लेखन वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, भाई फिंगर प्रिंटिंग के नाम से। फिंगर प्रिंटिंग है क्या भाई, फिंगर प्रिंटिंग से बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या पता चलता है फिंगर प्रिंटिंग है क्या, फिंगर प्रिंटिंग से यहाँ पे क्या मतलब दे रखा है, फिंगर प्रिंटिंग से एक्चुअल मदर और फादर का पता लगाया जा सकता है। कैसे, एक्चुअल मदर और फादर के बारे में पता लगाया जा सकता है। बहुत बार मदर डिनाई कर देती है और बहुत बार फादर डिनाई कर देते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, तो उनके क्या किया जाता है, क्रोमोसोम टेस्टिंग से फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे आप लोगों के फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग है, वैसे ही जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है उसमें भी सबके डीएनए क्या है, अलग अलग है, तो वही चेक किया जाता है फिंगरप्रिंटिंग द्वारा, और उसी के द्वारा पता लगाया जाता है कि असली माता कौन सी है, असली पिता कौन से है, फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मानव मस्तिष्क का कौन सा ऐसा अंग है जो उगलने और निगलने की प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करता है, मतलब वॉमिटिंग और निगलने की प्रक्रिया को, एंगल्फिंग और वॉमिटिंग की प्रक्रिया को क्या करता है, आपकी वॉमिटिंग और एंगल्फिंग की प्रक्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जल्दी से बताओ भाई,
कुछ लोग सही आंसर दे रहे, रवि किशोर कुमार, मोहित शर्मा, मोनेंदर, रविशंकर कुमार, राउंड वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात कर रहे हैं। क्या है? मेड्यूला ओब्लिंगेटा। क्या है नाम? मेड्यूला ओब्लिंगेटा। ये मेड्यूला ओब्लिंगेटा क्या करता है भाई? ये मेड्यूला ओब्लिंगेटा जो आपका सर का ये पीछे वाला भाग है, जिससे आपकी मेरुदंड मेरुरज्जु जुड़ी हुई है, उसी से कनेक्टेड पार्ट है मेड्यूला ओब्लिंगेटा। और यही क्या करता है? आपके निगलना मतलब एंगल्फिंग जो आप खाना खाते हो, और वापस से उगलना मतलब वॉमिटिंग, दोनों को नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? मेड्यूला ओब्लिंगेटा। सी ऑप्शन आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो बालाजी में नहीं भाई पिंटू। आयाम में, पिंटू यादव आयाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। गुड इवनिंग राजेंद्र, गुड इवनिंग मनराज, बलराम, गुड इवनिंग। भाई कौन सा ऐसा पशु है या कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें लेटरल सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, पार्श्व संवेदी अंग नहीं पाया जाता? आपका आंसर क्या होगा? देखिए बॉडी में वाइन पीने से जो डिसऑर्डर नहीं होता है, होता क्या है? आपके वाइन पीने से या कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करने से जो आपके आप में एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है, और एकदम से या तो कोई सा भी हार्मोन, या तो अगर आप दुख में हैं तो अलग रश होगा, अगर आप खुशी में हैं तो डोपामिन रश होगा, ऐसे अलग अलग हार्मोन रश किए जाते हैं अलग अलग ग्लैंड्स के द्वारा, परंतु आपकी स्टेबिलिटी किससे भाई? स्टेबिलिटी डैमेज हो जाती है। जल्दी से बता दो भाई, लेटरल सेंसरी ऑर्गन किसमें नहीं पाया जाता है? क्या आंसर होगा भाई? बी कटला। क्या कटला एक मछली है जिसमें बाह्य संवेदी अंग नहीं पाया जाता, लेटरल सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता? कटला, कटला एक मछली का प्रकार है, उसमें क्या नहीं पाया जाता? बाह्य संवेदी अंग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल मुरेंद्र गंगवार, सीरियोसिस हो जाता है लीवर। सीरियोसिस एक एक्सट्रीम स्टेज है जिस पे आकर लीवर को क्या नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, और लीवर सीरियोसिस की ड्यूरेशन में क्या हो जाता है? बिल्कुल पूरी डेथ हो जाती है लीवर सीरियोसिस में, ठीक है। बी क्वेश्चन, बी आंसर होगा, बिल्कुल बी आंसर होगा, कटला मच्छी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, जन्म के बाद ऐसी कौन सी कोशिका है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें जन्म के बाद विभाजन नहीं हुआ जाता, नहीं पाया जाता, नहीं देखा जाता? फटाफट से बता दो। गुड इवनिंग बलराम। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, और लोगों के आंसर की उम्मीद है भाई। लेटरल सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, ऐसा तो है नहीं कि उसको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हर बच्चे ने सही जवाब दिया है। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है, नर्व सेल, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है नर्व सेल, वो जीवन में क्या होता है? डिवाइड नहीं होती। क्या होता है? पैदा होने के बाद पश्चात क्या होता है? उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, नर्व सेल। आपका आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन, आप सभी को ये बात पता होगी, जो जितने भी पेड़ हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो भाई ये ऑक्सीजन जो बनती है ये किस चीज से बनती है? आपके ऑप्शन आप फटाफट से देखिए और फटाफट से आंसर बताइए। भाई सी कौन सा है? सी कौन बोल रहा है भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या होगा आपका आंसर? वाटर, जल होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है आपका। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जल होगा। किससे ऑक्सीजन निकलती है भाई? जल द्वारा ऑक्सीजन निकलती है, जल के टूटने से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस जल के टूटने के कारण ही किसका निर्माण होता है? आपकी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का संबंध उस दांतों की विकृति से है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसका संबंध क्या है दांतों की विकृति, मतलब दांतों के खराब होने से? उस तत्व को फटाफट से टिक करो और ऑप्शन में बता दो क्या है। ऑप्शन में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आंसर दो भाई। पिंटू, गौरव, सुनील, क्या हो गया भाई? फटाफट से आंसर दो। ऐसे धीरे धीरे आंसर देने से कैसे काम चलेगा? कल तो टाइमर के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है? कल हम टाइमर के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को क्या करो, बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। फटाफट से इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि अपन को क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा लोग कॉम्पिटिशन में आ जाए और हमें एक्चुअल हमें कॉम्पिटिशन जैसा फील हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइमर चलाएंगे, स्क्रीन पर आपको टाइमर दिखेगा और टाइमर के अकॉर्डिंग हम फटाफट से क्वेश्चंस करते जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, सी फ्लोरीन। क्या आंसर होगा? सी फ्लोरीन आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सी फ्लोरीन क्या है? तत्व कौन सा, किससे संबंधित है? दांतों की विकृति से संबंधित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से सेल ऐसे हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं? क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी मैं, एंटीबॉडीज और एंटीजन के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी मैं। देखिए एंटीबॉडीज को डिनोट करते हैं ए बी से, एंटीजन को डिनोट करते हैं ए जी से, ठीक है। एंटीबॉडीज तभी ही निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में तभी निर्माण होता है या किसी प्रकार का जीवाणु हमारे शरीर में चला जाए, ये वो जीवाणु हमारे शरीर को खाने लग जाए या किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने लग जाए, तभी क्या होगा, एंटीबॉडीज का निर्माण होना चालू होगा। पर एंटीबॉडीज के स्टिमुलेशन पहुँचने के बाद में ऐसी कौन सी कोशिकाएँ हैं जो कि क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है?
लिम्फ में नहीं होता भाई, लिम्फोसाइट्स निर्माण करती है। अगर आपके ऑप्शन में लिम्फोसाइट नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी सेल। क्या होगा, बी सेल। ठीक है, यही वो सेल्स है जो कि क्या करते हैं भाई, एक तरीके का एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, ये बनते किन से है, लिम्फोसाइट से बनते हैं। किस से बनते हैं, लिम्फोसाइट से बनते हैं। अगर आपके ऑप्शन में लिम्फोसाइट नहीं आ रहा तो आप टिक क्या करके आएंगे भाई, बी सेल और टी सेल टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है भाई, ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त के स्कंदन मतलब कोगुलेशन में हेल्प करता है। भाई में फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे दांतों के लिए लॉन्ग टर्म में यूजफुल नहीं है, मतलब नहीं क्या होते, खराब करते हैं हमारे दांतों को। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक बच्चा सही आंसर दे रहा है। क्या आंसर दे रहा है, विटामिन के। मतलब अब सबको पता चल गया है, कोगुलेशन का शब्द आते ही, स्कंदन का शब्द आते ही क्या आंसर देना है, विटामिन के आंसर देना है। पर विटामिन के करता क्या है, विटामिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और ये थ्रोम्बिन कैसा दिखता है भाई, थ्रोम्बिन एक जालनुमा संरचना बना देता है। ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन क्या बना देता है, जालनुमा संरचना बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का स्कंदन मतलब क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन कौन करेगा, विटामिन के बिना नहीं होगा। साथ ही साथ कौन सा ऐसा तत्व है, तो वो आएगा कैल्शियम। आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्यों की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उनका क्या होता है भाई, या तो उनका आकार कम हो जाता है या बढ़ जाता है, या फिर साइज कम हो जाता है बढ़ जाता है, नंबर कम हो जाता है या बढ़ जाता है, फटाफट से बता दो ऊंचाई पर जाने पर। ये क्वेश्चन ऊंचाई के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड पे भी आ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड, या फिर आप ऐसी सिचुएशन दे दे आपको कि आप हिल स्टेशन पे हो, तो हिल स्टेशन पे जो लोग रहते हैं, हिल स्टेशन पे जो लोग रहते हैं उनके साथ में क्या होता है, उनकी लाल रुधिर कणिकाओं का। भाई किस में कमी बोल रहे हो भाई, भाई क्या होता है, डिक्रीज इन साइज होता है। क्या होता है, बी ऑप्शन होगा, डिक्रीज इन साइज। क्या होता है, जो आकार होता है ना, अगर वो इतना बड़ा आकार है तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा सा आकार हो जाएगा। भाई आकार की जो कमी आती है वो कमी क्यों आती है भाई, आकार की कमी आने लगती है तभी तो ऊंचाई पे पहुंचने पर ऑक्सीजन कम कैरी करने लगता है हीमोग्लोबिन, और जैसे ही ये कम कैरी करने लगेगा आपके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन कम पहुंचने लगेगी, और तभी तो बहुत सारी विकृतियां आती है जब आप बहुत ज़्यादा माउंटेन या ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं या ट्रैकिंग करते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, लाल रक्त कणिकाओं का क्या हो जाता है, आकार में कमी आ जाती है, रिडक्शन इन साइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, भाई पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा ऐसा तत्व है जो पर्णहरित में
पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे बच्चे इसका आंसर सही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन मैग्नीशियम होगा। पर्णहरित में कौन सा धातु या तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है, गोलकृमि एक परजीवी है मानव शरीर का, कहां पाया जाता है, फटाफट से बता दो। फटाफट से बता दो, गोलकृमि जो परजीवी है मानव शरीर का, राउंड वर्म, ये कहां पाया जाता है मानव शरीर में, किस भाग में पाया जाता है, फटाफट से बताइए। स्टमक में पाया जाएगा तो एसिड से ऐसे ही मर जाएगा भाई। सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं, एक बार देखिए। अगर स्टमक में पाया जाएगा, वहां पर इतना एसिड है, इतना लो पीएच है कि वहां पे ऐसे ही मर जाएगा। मुजफ्फर हुसैन एक साथ मिलेगी पीडीएफ। भाई आंसर सही नहीं दे रहा, एक दो बच्चे ने आंसर सही दिए हैं। देखिए आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कोलोन। कोलोन किसका पार्ट है आपका, बड़ी आंत का पार्ट है। इस कोलोन में क्या होता है, परजीवी रहते हैं, राउंड क्रमी मतलब आपके जो गोल क्रमी है वो कहाँ पे रहता है, कोलोन में पाया जाता है, जो कि किसका भाग है, आपकी बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, समझ में आई बात, डी ऑप्शन राइट होगा आप लोगों का। क्या हुआ भाई पिंटू यादव, बिल्कुल सही, कितना तो पास करा रहे राजेंद्र कुमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हर मिनट एक क्वेश्चन हो रहा है भाई आपका। बिल्कुल सारे वीडियो की पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को वेडनेसडे को, कब मिलेगी, वेडनेसडे को या थर्सडे को, वीडियो के साथ साथ में आपकी पीडीएफ इंक्लूड हो जाएगी, जो कि कम से कम 200-300 क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, विद आंसर विद सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगी। मानव शरीर में कितने ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं, योगेंद्र कुरी मैं आंसर दे चुकी हूं आपका, दो बार तीन बार। इसका उम्मीद करती हूं हर बच्चा सही आंसर देगा कि गुणसूत्र कितने ज्यादा कितने पाए जाते हैं भाई, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 46 गुणसूत्र, जिसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और दो क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। हमेशा पेयर्स की बात करेंगे, अगर जोड़े की बात पूछ रहा है तो आपको ये बताना है 23 जोड़े पाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र पूछ रहा है तो 46 पाए जाते हैं, ये देखना। ऑप्शन में दोनों के दोनों इंक्लूड कर देगा कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जोड़े की बात कर रहा है तो 23, और अगर नंबर की बात कर रहा है तो 46 और 44 क्या होंगे, अलैंगिक गुणसूत्र होंगे, और दो क्या होंगे, लैंगिक गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दिवसीय पेपर में राजेंद्र कुमावत ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभार। पाचन क्रम में भाई मिलेगी पवन कुमार मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाद में। पाचन क्रम में किसकी सहायता मिलती है भाई? गलत क्वेश्चन पढ़ दिया क्या? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? फटाफट से बता दो, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लूकोज के रूप में रहता है क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है ये नहीं बता पा रहे हो भाई, और आप बोल रहे हो कि लेवल पता है क्या भाई? लेवल कैसे नहीं पता? ग्लाइकोजन आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में क्या संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। क्या होगा? कोई भी जंतु कोशिका होगी उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहेगा? आपका आंसर होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई डाइजेशन में क्या सहायता करता है? हु हेल्प्स इन द डाइजेशन? डाइजेशन पाचन तंत्र में पाचन करने में किसकी सहायता हमें सबसे ज्यादा मिलती है? नहीं पिंटू यादव, आई विल टेल यू व्हाट टू सर्च ऑन गूगल सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या आंसर होगा? ए एंजाइम्स। क्या आंसर होगा? ए एंजाइम आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ए एंजाइम पाचन तंत्र में पाचन करने में सबसे ज्यादा हमें एंजाइम्स की, सबसे ज्यादा हमें एंजाइम्स द्वारा सहायता मिलती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल वसा और विभिन्न उपचयी उपचयियों का अपघटन करने के बाद में उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या सहायता करता है? किस अंग द्वारा क्या है भाई? महेश वर्मा आपका सवाल बिल्कुल, किस अंग द्वारा होता है भाई उत्सर्जन? किस अंग द्वारा होगा वसा व अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन? किस अंग द्वारा होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा वृक्क किडनी। क्या आंसर होगा? वृक्क किडनी आपका आंसर होगा। किसके द्वारा होगा? वृक्क और किडनी द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी जस्ट गया है विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे अभी जस्ट आपके आंखों के सामने से निकला ही है भाई। बिल्कुल आपने अभी अभी देखा ही है इसी महीने में। आंसर दे दिया मैंने तो। वसा किस में सहायक है भाई? वसा बहुत सारी चीजों में सहायक है। आपकी कोशिका झिल्ली का आधा भाग तो वसा से ही बनता है, फॉस्फोलिपिड द्वारा बनता है। वसा के बिना तो कोई काम ही नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड ओजोन डे कब गया है आप लोगों का? वर्ल्ड ओजोन डे गया है 16 सितंबर। याद रखें वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है?
16 सितंबर को बनाया जाने वाला दिन है ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, और रात को 9 बजे भी आप लोगों की क्या होगी, जीके का लाइव टेस्ट होता है, तो उसमें भी बने रहिए, आते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए। जी नहीं, मैं नहीं लेने वाली हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या आंसर होगा, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। क्या ऑप्शन होगा आप लोगों का, ए ऑप्शन तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, नर्व सेल। निम्नलिखित में से शरीर का निर्माता किसे कहा जाता है, फटाफट से बताइए। निम्नलिखित में से शरीर का निर्माता किसे कहा जाता है भाई, 20 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, फटाफट से करिए। भाई मनोज सर द्वारा हो रहा है, भाई 9 बजे लाइव टेस्ट हो रहा है जीके का, उसमें आना ही है आप लोगों को। शरीर का निर्माता, देखिए शरीर का निर्माता किसे कहा गया है, प्रोटीन को कहा गया है, किसको कहा गया है, प्रोटीन को कहा गया है। आपके शरीर का निर्माता किसे कहा गया है, याद रखें प्रोटीन को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। क्या बोल रहे भाई बंटी चौहान, ओके गौरव। पीडीएफ कब और कहां मिलेगा भाई, 200 क्वेश्चन से ज्यादा का पीडीएफ मिलने वाला है आप लोगों को, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को आपको पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। बिल्कुल विशु सैनी, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फीताकृमी किस में परजीवी के रूप में रहता है, फीताकृमी, फीताकृमी जी। धर्मेंद्र यादव फटाफट से बता दो भाई, थैंक यू बंटी चौहान, भाई फटाफट से आंसर बता दो। अरे आंसर बताओ क्या होगा भाई,
पीताक्रमी, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं। पिग में पाया जाता है, सुअर में, परजीवी के रूप में पीताक्रमी पाया जाता है। आपका आंसर होगा ए, सुअर, पिग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से सब आंसर देने लग गए जैसे ही हमने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कौन सा ऐसे चीज है जो क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है? 40 seconds, 35 या 40 सेकंड का टाइमर लगाएंगे हर क्वेश्चन पे। फटाफट से बता दो भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही आंसर दे रहे हो। क्लोरोफिल का घटक कौन नहीं है इनमें से? कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। याद रखना है क्या घटक नहीं है क्लोरोफिल का, तो आंसर होगा आपका कैल्शियम। क्या आंसर होगा? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। क्या है? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, और वो किस चीज को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है या किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन बताइए। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। कैसे क्वेश्चन गलत है भाई गौरव? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ब्लड। थैलेसीमिया अनुवांशिक रोग है जो क्या करता है, ब्लड को, रुधिर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ब्लड को प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट सुन लीजिए कि 9 बजे क्या है, जीके की लाइव क्लास है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, कल हम टाइमर के साथ में क्वेश्चन करने वाले हैं। 35 से 40 सेकंड का टाइमर हम लगा के क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो, ताकि कल बहुत सारे बच्चे लाइव आ सके और हमें पता चल सके किसकी स्पीड कितनी है, कौन 30-35 सेकंड में आंसर दे पाएगा हर क्वेश्चन का। और हम ट्राई करेंगे क्या करें कि भाई 40 मिनट में 40 क्वेश्चन या 50 मिनट से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा पाए आप लोगों को। तो धन्यवाद, इसी तरीके से बने रहिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।